नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आयुर्वेद पीजी टेस्ट के बारे में वीडियो बनाता हूं और आपको इनमें नई जानकारियां देता रहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन बुक से तैयारी करनी चाहिए और उन बुक के नाम बताऊंगा और वो आपको इजिली कहाँ से मिल जाएगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2020 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसमें जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ये हेल्पफुल वीडियो होगी। वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। सभी आयुष के छात्र, आयुर्वेद के छात्र जो बीएमएस फाइनल ईयर में है, वो उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा और जिनका फाइनल हो चुका है उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। लेकिन सबको लगता है कि हम पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से इसकी तैयारी करें, कौन सी बुक इसके लिए बेटर रहेगी, ये चीजें नहीं पता होती। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको उन बुक के बारे में बताऊंगा और आप उन बुक से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, वो आपके काफी काम आएगी और इससे इजीली आप अपने टेस्ट को क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा तो दोस्तों, इसमें आप एमओ मेडिकल ऑफिसर आयुष उससे संबंधित सभी तैयारियां इन बुकों से आप कर सकते हैं। और तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके वो बुक कौन सी है। सबसे पहले जो बुक का नाम आता है वो है चरक संहिता। चरक संहिता दो पार्ट में अवेलेबल है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध पार्ट। पहले पार्ट में उसमें सूत्र स्थान होगा, निदान स्थान होगा, ये सब होंगे। बाकी दूसरा पार्ट होगा उसमें चिकित्सा स्थान उसे बोलते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से उससे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुश्रुत संहिता भी दो पार्ट में अवेलेबल है, दोनों थ्योरी वाली बुक है, इनमें श्लोक वगैरह सब कुछ है। इन्हें आप अच्छे से एक एक चैप्टर, श्लोक वाइज एक एक परिभाषा सब अच्छे से पढ़े और ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। चरक, जैसे आप चरक पढ़ रहे हैं, चरक संहिता पढ़ रहे हैं, चरक संहिता में अगर आपको मॉडल पेपर के रूप में कोई बुक चाहिए तो वो है चरक चंद्रिका, वो काफी अच्छी बुक रहेगी। उसमें चरक से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और दूसरा सुश्रुत संहिता पे भी आपको काफी मॉडल पेपर्स, मॉडल बुक्स मिल जाएगी, वो भी आप ले सकते हैं और उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये बुक आप कहाँ से लेंगे, कहाँ से आपको ये बुक मिलेगी। इसके बाद आता है आपका अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, ये बुक ये भी काफी जरूरी है। इनका रेफरेंस मतलब कुछ चीजें आपको चरक में मिल जाएगी, रेफरेंस के रूप में कुछ मिल जाएगी। अगर आपको अलग से पढ़ना है उसके लिए आप अलग से बुक लेके पढ़ सकते हैं। और हम क्वेश्चन पेपर बुक की बात कर ले तो उसमें सबसे जो बढ़िया बुक का आता है वो है डॉक्टर पारिक की बुक। उसमें आपको सभी अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं आयुष से संबंधित उनके सब सोल्ड पेपर होंगे और बाकी उसमें क्वेश्चन हर तरह की डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी, वो बुक भी काफी अच्छी रहेगी। इसके अलावा दूसरा है आपका प्रवीण चौधरी, वो मॉडल पेपर वाली बुक है, वो भी उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी आप डेली प्रैक्टिस करिए, वो भी काफी अच्छी रहेगी, उसे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी बनाऊं। और सबसे जरूरी बात यह है, मैं आपको अब अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कितने घंटे हमें रोज पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।